उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को राज्य के दो जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून और बागेश्वर में भी सोमवार को भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। साथ ही 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है, और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिली रही है, जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डाटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामा में, बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है। लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आधी स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखें हमने आज हैवी रेन में वो येलो वार्निंग में, तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है, और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है, उससे थोड़ी कमी होगी। लेकिन कल से 6-7 तारीख से जो है जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश को मिलने वाली है, और आगे पूरे वीक की अगर मैं बात करूँ जो है करीब 14-15 तारीख तक भी जो है, तो अब कल के बाद जो है या कल शाम रात से आगे जो है जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में थोड़ी बारिश की बढ़ेगी। और आप ये कह सकते हैं कि जो है हल्की से मध्यम बारिश है वो ज़्यादातर जगहों में मिलने वाली इन 6-7 दिन में आगे जो है, और इसके साथ साथ जो भारी वर्षा है वो भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। तो जिसमें कल के बाद दिख रहे हैं कि जो जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें अंदर के हैं उत्तरकाशी, चमोली या बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इनमें दिख रहा है। इसी तरह जो देहरादून, नैनीताल है या पौड़ी, टेरी, उसमें भी एक्टिविटी दिख रही है कि हैवी रेन आइसोलेटेड वो मिलेंगी। तो 5 से 7 दिन में ये कहूँगा कि सामान्य से थोड़ी हायर साइड में जो है वो एक्टिविटी वो रहने वाली है। और ये देख रहे हैं कि इस समय जो है जो स्थितियाँ हैं जो हिल्स में अगर बात कर लें ज़्यादातर जो है, तो कहीं ना कहीं जो सॉयल है या उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सेचुरेशन पे पहुंच चुकी है। अब जो बारिश मिलेगी वो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फ्लैश फ्लड है उस तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा बढ़ावा देगी। जहाँ पे भी हैवी रेन या थोड़ी जो है मॉडरेट रेन भी है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में वो मिल जाए, जिसको कि आप इंटेंस स्पेल वगैरह बोलते हैं हम लोग,